डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दी हुई है ये दोनों इक्वेशंस दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है ठीक है पहली इक्वेशन है x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन टू के इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू दूसरी इक्वेशन है x माइनस वन अपॉन थ्री के इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव और ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन्स है जिनकी इक्वेशन यहां पर दी हुई है वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यह हमें बताया गया है ठीक है और हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है इस इसके कॉन्स्टेंट की वैल्यू ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पहली इक्वेशन है ये पहली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो जिस स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है उस स्ट्रेट लाइन की जो डी है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोस वो है माइनस थ्री टू के एंड टू ठीक है तो इसको मैं लिख लेता हूं डी आर स्टैंड फॉर डायरेक्शन रेशियोज सो पहली स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है माइनस थ्री टू के और टू सिमिलरली जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे थ्री के वन और माइनस फाइव इसको भी मैं लिख लेता हूं सेकेंड स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है थ्री के वन और माइनस फाइव अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा लेकिन उस फॉर्मूले को पहले मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूं जल्दी से फॉर्मूला इस तरह से है कि देखिए सपोज कीजिए हमें दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई है पहली स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन ठीक है ये दो स्ट्रेट लाइंस हमें दी हुई है पहली स्ट्रेट लाइंस की जो डी है डायरेक्शन रेशियोज वो है ए वन बी वन सी वन ठीक है दूसरी स्ट्रेट लाइन के दूसरी स्ट्रेट लाइन के जो डी है वो है ए टू बी टू और सी टू ठीक है तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू प्लस बी वन मल्टीप्लाइड बाई बी टू प्लस सी वन मल्टीप्लाइड बाई सी टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो ये सिचुएशन ये फॉर्मूला हम अगर यहाँ अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है इसका मतलब माइनस थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री के प्लस टू के मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस नाइन के प्लस ट्वाइस ऑफ के माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो ये बन जाएगा माइनस ऑफ सेवन के माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो माइनस ऑफ सेवन के इज इक्वल टू टेन और के की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन अपॉन सेवन